दोस्तों आप में से कई लोग ऐसे होते हैं जो ऑटोकैड भी सीख रखते हैं और 3ds Max भी सीखे रहते हैं। अब उनको समझ नहीं आता मैं कौन सी प्रोफाइल में जाऊं, जिस प्रोफाइल में मेरा स्कोप हो, मींस मैं कौन से प्रोफाइल में जाऊं। कई लोगों ने मुझे क्वेरीज डाली थी, सर मैंने ऑटोकैड सीखा, उसके बाद एक इंस्टीट्यूट में गया, उन्होंने बोला 3ds Max सीख लो, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या, मींस कौन सी प्रोफाइल के लिए अप्लाई करूं। तो इसमें समझने की बात है। तो इस वीडियो को मैं इस वीडियो में यही मैं डिस्कस करने वाला हूं कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हो अगर आपको ऑटोकैड और 3ds Max अच्छे से आता है तो, या कोई भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर अच्छे से आता है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको ज्यादा लोगों तक शेयर करना, अभी तक आप लोग बहुत सपोर्ट किए इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय ट्यूटोरियल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक्स विलियनी मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों अगर मैंने ऑटोकैड मान लो अच्छे से किया है और 3ds Max का भी मुझे अच्छा नॉलेज है, पहले तो 3ds Max में काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 3ds Max का फुल फॉर्म क्या होता है, यहीं से स्टार्ट करता हूं। तो 3ds मींस 3 डाइमेंशनल स्टूडियो मैक्स, 3ds Max में डायरेक्टली जाते हो, सीख के आते हो, फिर भी आपको नहीं पता रहता है चीज, करेक्ट है ना। 3 डाइमेंशनल स्टूडियो मैक्स इसका फुल फॉर्म होता है, और ऑटोकैड में कैड का तो आपको पता होगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। दोस्तों इनके अकॉर्डिंग आप कौन सी प्रोफाइल के लिए जा सकते हो, देखो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा क्या आपका इंटीरियर में इंटरेस्ट है क्योंकि कई लोगों का इंटीरियर में बहुत ज्यादा है। आज के टाइम में जितने भी बड़े शहर है वहां पे इंटीरियर डिजाइनिंग का काम इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हर कोई अपने रूम को, क्योंकि अभी क्या सब फ्लैट ले रहे हैं और फ्लैट को क्या अगर इंटीरियर नहीं करा तो फ्लैट देखने में अच्छा नहीं लगता, तो फ्लैट का इंटीरियर कराना कंपलसरी हो गया है। और फ्लैट के इंटीरियर में एक अच्छी चीज ये है कि बहुत जल्दी इंटीरियर खराब भी हो जाता है तो उसको फिर से करना पड़ता है, मींस रीयूजेबल चीज है ये। तो आज के टाइम में ये बड़े शहरों में बहुत ही ज्यादा तरीके से, इवन मैं छोटे छोटे शहरों में भी देख रहा हूँ अभी लोग इंटीरियर प्रीफर कर रहे हैं। तो अगर आपने 3ds Max अच्छे से सीखा है तो उसका इंटीरियर वाला पार्ट अच्छे से सीख लो, इंटीरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छे से आपने कंप्लीट किया है मींस 25-30 मॉडल बनाओ, और इंटीरियर में क्या बनाओगे, अब जैसे कि आपने एक ड्राइंग रूम का सेटअप बनाया, ठीक है, ड्राइंग रूम एक अच्छा सा देखना चाहिए, अब उसमें सोफे का कलर देख लो, अब वो क्या है थीम में बनाओ, जैसे कि सोफा उसी कलर का, वॉल उसी कलर का, कॉन्ट्रास्ट कर रहा है एक दूसरे को, ऐसे ऐसे कलर से चूज करो, और अच्छा सा 3ds Max पे बहुत अच्छे अच्छे आप ड्राइंग रूम, बेडरूम, और सबसे ज्यादा आज के टाइम में चल रहा है मॉड्यूलर किचन। अभी देखो किसी भी इंसान का जिसने भी फ्लैट लिया होगा आप सब देखते होंगे उसका किचन नॉर्मल तो रहता ही नहीं, जैसे आप लोग क्या करते थे पहले गैस नीचे रख दिया उसके बाद रोटी बनाया उसका ऐसे कर दिया ना, तो अब वो तो चलता ही नहीं है। क्यों? अभी लोग इतना पैसा खर्च किए अपना घर तो दिखाना है उनको। अगर आप बाथरूम का इंटीरियर अच्छे से करोगे, क्योंकि आज के टाइम में बाथरूम भी बहुत अच्छे तरीके से लोग डेकोरेट करना चाहते हैं, ड्राइंग रूम करना चाहते हैं, मॉड्यूलर किचन आज के टाइम में देख लो हर कोई मॉड्यूलर किचन प्रीफर कर रहा है। क्यों? उसमें एक तो कम जगह में ज्यादा चीज आ जाती है, प्रॉपर हर चीज पैक रहती है तो बाहर से देखने में भी खराब नहीं लगता है, और उससे क्या होता है कि आप 2BHK को भी इस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो जैसे बहुत बड़ा सा घर है। तो इन सब वजह से इंटीरियर का काम बहुत ज्यादा अच्छे से चल रहा है। पहले आप 2D में कर सकते हो मींस ऑटोकैड में कर सकते हो वही इंटीरियर, बट इफ दे वांट तो आप उसको मॉडलिंग मींस 3D मॉडलिंग के लिए 3ds Max को यूज कर सकते हो। तो आप अगर इंटीरियर डिजाइन की प्रोफाइल में जाते हो, और इसमें एक अच्छी चीज है, अगर आपने कहीं पे काम कर लिया कुछ दिन, आपको आइडिया लग गया कैसे कैसे मुझे डिजाइन करना है, उसके बाद आपको आइडिया लग गया कैसे कैसे इसको बनवाना है, तो आप खुद का काम स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे कई लोग हैं जो खुद का काम स्टार्ट करके इंटीरियर डिजाइनिंग का बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे, मींस इसमें इतना ज्यादा पैसा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, हर जगह हर कोई इंटीरियर को प्रीफर कर रहा है। तो पहली प्रोफाइल तो आप जा सकते हो इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए, मान लो, क्योंकि कुछ कुछ लड़कों में ऐसा होता है, लड़कियों में तो अक्सर होता है कि उनको अच्छा लगता है डिजाइनिंग करना इंटीरियर का, बट लड़कों में मैंने काफी लोगों को देखा है कि बहुत कम लोग प्रीफर करते हैं डिजाइनिंग, या उनके अंदर डिजाइनिंग का थॉट कम होता है कंपेयर टू दूसरे काम के लिए। कुछ लोगों के अंदर बाहर का व्यू मींस 3D व्यू मींस एक्सटीरियर व्यू देखने का बहुत ज्यादा आइडिया रहता है कि मैं ऐसे एक्सटीरियर भी बना दूं, ऐसे बना दूं, इवन मुझे भी ऐसा ही रहता है कि मैं ऐसा एक्सटीरियर डिजाइन कर दूं, ऐसा एक्सटीरियर मींस थोड़ा सा यूनिक करने का मेरा हमेशा कॉन्सेप्ट रहता है। तो अगर ऐसा आपके अंदर है कि मैं थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे बनाऊंगा तो वो भी बहुत अच्छा आप 3ds Max में कर सकते हो। 3ds Max में अच्छे अच्छे भी मॉडलिंग करो, मॉडलिंग करके वीरे को अच्छे से सीखो, क्योंकि वीरे जितना सीखो उतना कम है, एकदम कंट्रास्ट व्यू आ जाएगा, मींस ऐसा व्यू आ सकता है कि सामने वाला देखते ही बोल देगा भाई यही बनवाना है, वो स्ट्रक्चर देखता भी नहीं क्योंकि उसको स्ट्रक्चर का प्लान तो समझ में आता नहीं है,
अब उसको प्लान समझने यार उसको क्या चाहिए, सिर्फ अच्छी सी मॉडलिंग। अगर मॉडलिंग हमने अच्छी की तो उसको और कुछ नहीं चाहिए, तुरंत आपको अपना प्रोजेक्ट दे देगा। तो ये दोनों प्रोफाइल मुझे लगता है कि अगर आप एक इंटीरियर या 3D मॉडलिंग दो में से कोई भी प्रोफाइल चूज करते हो, लेकिन जो भी चूज करना उसमें अपना बेस्ट देना, मीन्स 20-25 अच्छे से इमेज बनाना। मैंने एक वीडियो में बताया था, मैं आई बटन पर लगवा दे रहा हूं कि पोर्टफोलियो किस तरीके से क्रिएट करते हैं। पोर्टफोलियो क्रिएट करो उसका, और पोर्टफोलियो एकदम डिजाइनर, क्योंकि आप डिजाइन की प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, मींस 3ds max वाली जैसी बड़ी प्रोफाइल के लिए। ऐसा आप डिजाइन करो पोर्टफोलियो को, सामने देखते ही एकदम उसको लगे नहीं यार ये सिलेक्ट करने लायक ही है। अगर इस तरीके से आपने किया है तो आप समझो कि डेफिनेटली आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो अगर आपने ऑटो कैड और 3ds max सीखा है आपको वापस नहीं करेगा। और एक सबसे अच्छी चीज बताऊं आपको, 3ds max ऐसा सॉफ्टवेयर जो हर जगह लगभग लगभग यूज होता है। तो अगर 3ds max में आपने टूल बनाना सीखा है, मीन्स ब्लॉक्स अच्छे अच्छे बनाना सीखा है, क्योंकि ये दोनों चलो होगी प्रोफाइल। अगर आपने मान लो कई लोग ऐसे होते हैं जो नॉन टेक्निकल रहते हैं, ये टेक्निकल भी कई लोग रहते हैं जिनको टूल बनाने का बड़ा अच्छा शौक होता है, जैसे कि किसी को सोफा बनाने का टूल होता है, किसी को हम अच्छे तरीके का टेबल तैयार करेंगे, क्रिएटिव टेबल तैयार करेंगे, कुछ लोगों को लगता है हम अच्छे अच्छे मीन्स थीम तैयार कर सकते हैं, इस तरीके का अलग अलग थॉट होता है, मीन्स ब्लॉक। तो अगर ये ब्लॉक आपको बनाना पसंद है तो ब्लॉक के लिए भी अलग अलग कंपनियां होती है। ब्लॉक के लिए तो अच्छी चीज है कि कई ढेर सारी मैंने साइट बताई थी आपको पीछे एक वीडियो में, हाउ टू अर्न ऑनलाइन मनी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन से साइट पे जाइए, वहां पर रजिस्टर करके अपने ब्लॉग को डाल दीजिए। या तो आज के टाइम में वेबसाइट बनाना बहुत टफ नहीं है, मुश्किल से 2-3 हजार रुपए में आपकी वेबसाइट बन जाएगी, उसमें आप क्रिएट करके अपना ब्लॉग डाल सकते हो और धीरे धीरे उसका मार्केटिंग करते करते, अभी तो टाइम लगेगा, ये पार्ट टाइम में कर सकते हो, फुल टाइम में नहीं, पार्ट टाइम में करो, धीरे धीरे मार्केटिंग करते करते लोग वहां पर ब्लॉग आपका पसंद करने लगेंगे। और आप जो प्राइस रखोगे $3-4, क्योंकि लोग बहुत महंगे महंगे बेच रहे हैं, आप सस्ते में बेचो, और जैसे जैसे बेचोगे एक बार बना दिया बार बार बिक रहे हैं तो आपका धीरे धीरे क्या होगा, उसका एक अलग से आपका पैसा बनता चला जाएगा। तो ये रही आपके लिए तीसरी प्रोफाइल, जो आप पार्ट टाइम में करो तो मैं ज्यादा आपको प्रीफर करूंगा। क्यों? क्योंकि 3D मॉडलिंग या इंटीरियर आप फुल टाइम कर सकते हो, इसको पार्ट टाइम में भी रखो, जब काम बढ़ जाए इसका, क्योंकि ऑनलाइन मनी बहुत टफ हो गया अभी कमाना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो मैं इसीलिए आपको सजेस्ट करूंगा इसको अभी पार्ट टाइम में रखो। हाँ, ऑनलाइन में एक काम कर सकते हो, अगर आपकी 3D मॉडलिंग अच्छी हो गई, इंटीरियर डिजाइनिंग अच्छी हो गई, तो आप क्या कर सकते हो, अपवर्क या fiverr.com पे जाके वहां से वेबसाइट बनाओ, वहां बहुत अच्छे अच्छे काम मिलते हैं 3ds max पे। तो ये आपका चौथा स्टेप हो गया जहां पे आप अच्छे से पैसे अर्न कर सकते हो ऑनलाइन। और अगर आपको इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो एनिमेशन में जरूर इंटरेस्ट होगा, और अगर आपने 3ds max में एनिमेशन सीखा है तो आप समझो कि आप बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हो। रीजन क्या है, जितनी आईटी की कंपनियां होती हैं सबको एनिमेशन लगता है। आप देखते होंगे टेंपल रन गेम खेला होगा आप सबने अपने मोबाइल में, सबके होगा, ठीक है, वो टेंपल रन का जो थीम बनाया गया पूरा थीम 3ds max के अंदर बनाया गया है। तो इस तरीके से उनको लगता ही लगता है, अपने आप ऑटोमेटिक देखते होंगे आप एनिमेशन में क्या हो रहा है, डोर खुल रहा है, कोई एंट्री कर रहा है, फिर उस तरीके से पूरा व्यू दिखाया जा रहा है, ये सारा काम 3ds max के अंदर होता है। और अगर 3ds max सीखा और एनिमेशन में आप जाना चाहते हो तो मेरे तरफ से एक सॉफ्टवेयर और प्रिफर करना पड़ेगा आपको, दैट इज माया। आपने देखा होगा बाहुबली मूवी, सबने देखा होगा, उसमें क्या चल रहे थे कि बैल चल रहे थे ढेर सारे, मतलब कि दौड़ रहे थे ना, तो उसमें आपने देखा कि किस तरीके से दौड़ रहे हैं। तो उनको क्या किया गया था, उनको दो ब्लॉक को बनाया गया था, दो बैल को बना के उनको एरे कर दिया गया था, कई लोगों को एरे कमांड का यूज पता होगा, एरे कर दिया गया था और पूरा का पूरा ब्लॉक तैयार हो गया और माया से उसको एनिमेट कर दिया गया, तो उस तरीके से वो दिखने लगा था जिस तरीके से आपने देखा उसको। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका काम इसमें भी पक्का अच्छे तरीके से, एक अलग ही इंडस्ट्री है। बट ये तब आप प्रीफर करना जब आपको 3D मॉडलिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, प्लानिंग, ये सब पसंद ही नहीं है तो। लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें भी बहुत पैसे अर्न कर सकते हो। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि आपने ऑटो कैड और 3ds max सीख के कुछ भी गलत नहीं किया है, बहुत अच्छा किया है, बस जरूरत है उसमें चीजों को एक्टिवेट करने की, मींस ब्लॉग बनाना भूल गए तो बनाना सीख लो, एनिमेशन में जाना है तो एनिमेशन करना सीख लो, क्योंकि आपको बेसिक टूल तो पता है, अब थोड़ा सा मॉडलिंग लेवल पे जाना है, थोड़ा सा एक्सटीरियर लेवल पे जाना है, और यूट्यूब पे बहुत ढेर सारे वीडियोस हैं जो आपको इस तरीके की चीजें सिखा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं तो आप यूट्यूब पे जाइए, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे 3ds max के एनिमेशन के कोर्स होंगे, वहां से परचेज कर लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सबकी क्वेरीज थी, जिसकी क्वेरीज थी नीचे कमेंट करना कि हाँ सर मेरी क्वेरी थी, मेरी क्वेरी थी, मेरी क्वेरीज थी, और साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा चाहते हो उसके लिए भी कमेंट करना, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाने बैठता हूं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपके ही कमेंट चेक करते हैं, ओके ये आपका डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। तो नीचे कमेंट करके बताना ये किसका डिमांड था, क्योंकि मैं नाम तो नहीं लिखता हूं बट मुझे पता रहता है कि किसका किसका है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।